हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार। गाइस, मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एडसेंस अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है। एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ। तो इसीलिए आज मैं आपको 5 स्टेप्स का एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली एडसेंस अप्रूवल इजिली मिल जाएगा। एंड इसी सेम प्रोसेस को मैं भी यूज करता हूँ एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो अब वो क्या 5 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसे आपको यूज करना है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, तो गाइस ये मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन एक टॉप लेवल डोमेन है या नहीं। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टॉप लेवल डोमेन्स पे इजीली एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। .com, .net, .org, .co, .in ये सभी के सभी टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी भी टॉप लेवल डोमेन को यूज कर सकते हैं। एंड आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि आपको सब डोमेन्स यूज नहीं करने, लाइक blogspot.com और भी कई सारे फ्री सब डोमेन्स होते हैं, कोशिश करके उन्हें अवॉइड करें। दूसरा स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो, मतलब आपकी वेबसाइट के डोमेन के आगे HTTPS लगता हो, ना कि HTTP। एंड गाइस ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तब। इसीलिए मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो। तीसरा स्टेप आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में पॉलिसी पेजेस जरूर ऐड करने हैं, जिसमें भी अगर आप सारे पेजेस नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, लेकिन एटलीस्ट आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर 3 मेन पॉलिसी पेजेस तो होने ही चाहिए। नंबर 1 कॉन्टेक्ट अस का पेज, नंबर 2 अबाउट अस का पेज, नंबर 3 प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। एंड ये पेजेस कैसे बनाने हैं एंड इसे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में कैसे लगाना है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। 4th स्टेप आपको अपने वेबसाइट या ब्लॉग पर एटलीस्ट 20 आर्टिकल्स लिखने हैं। प्लस आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि आपके ब्लॉग के उन सभी आर्टिकल्स की लेंथ 1000 वर्ड से ज्यादा हो, प्लस उन आर्टिकल्स में आपने जो भी इमेजेस ऐड करी हैं वो गूगल से उठाई हुई ना हो, क्योंकि गूगल से जो आप इमेजेस उठाते हैं वो सभी इमेजेस कॉपीराइट वाली इमेजेस होती हैं। इसीलिए आपको उन इमेजेस को यूज नहीं करना है। आप चाहें तो इमेजेस खुद से डिजाइन कर सकते हैं या फिर कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी आपको मिल जाती हैं। अब कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहां से मिलेंगी आपको, उस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। 5वां और आखिरी स्टेप आपको ये चेक करना है कि आपने जो कंटेंट अपने ब्लॉग या वेबसाइट में डाला है वो यूनिक कंटेंट है कि नहीं। उसके लिए आप सिंपली प्लेगरिज्म चेकर को यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको काफी सारे प्लेगरिज्म चेकर मिल जाएंगे, जिनमें आपको बस अपना कंटेंट जाकर के पेस्ट कर देना है एंड देन वो प्लेगरिज्म चेकर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका कंटेंट या फिर आर्टिकल यूनिक है कि नहीं। एंड अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट या फिर यूनिक आर्टिकल आपको कहां से मिलेंगे, उसके ऊपर भी मैंने काफी सारी अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, उन वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। गाइस इन 5 स्टेप्स में मैंने जो भी बातें बताई, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं एंड देन गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही इजीली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें।